हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स ये तो हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे हर फील्ड में चेंजेस आते जा रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स तो ऐसे ही इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे जैसे इमरजेंस ऑफ ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स का इमरजेंस ड्रोन्स एंड स्मार्ट ग्लासेस का कंसोलीशन डेटा एंड बिग डेटा लॉजिस्टिक का एडोपन एक्सेट्रा तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल लिटरेसी कंज्यूमर्स द ग्लोबल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री हैजीन चेंजिंग सिग्निफिकेंटली इन द रिस फैक्टर्स सचेज रंग डिस्पोजल इनकम्स ड्यूएल इनकम हाउस होल्ड्स एंड कॉन्स्टेंट अर्गनाइजेशन हैव Encourage consumers across both developed and emerging economies to follow upcoming logistics trends. This has further resulted in the rapid development of retail channels requiring efficient inventory management and warehousing solutions for helping the customers to make informed purchase decisions. ई e कॉमर्स के इमरजेंस और कंज्यूमर्स के बीच बढ़ती डिजिटल लिटरेसी के साथ रिसेंट ईयर्स में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आए हैं डिस्पोजेबल इनकम ड्यूएल इनकम हाउस और कॉन्स्टेंट ऑर्गनाइजेशन यानी शहरीकरण जैसे फैक्टर्स ने कंज्यूमर्स को डेवलप्ड और इमर्जिंग इकनॉमिक्स को अपकमिंग लॉजिस्टिक्स ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए इंक्रेज किया है इसके साथ ही रिटेल चैनल्स का भी डेवलपमेंट हुआ है जिसके लिए कस्टमर्स को इन्फॉर्म परचेज डिसीजंस लेने में मदद करने के लिए एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस की नीड होती है पहला है हमारा ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी द इमरजेंस ऑफ ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड लॉजिस्टिक कंपनीज टू फेल सेफ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स द यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अलाउज द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री सच एज मैनुफैक्चर सप्लायर्स कस्टमर्स auditors warehouse managers and others to create a transparent and efficient system for recording transactions tracking assets and managing all documents involved in the logistics process the implementation of the blockchain technology is one of the most prominent logistic trends gaining attraction in the global blockchain technology market in transportation and logistic industry एज़ इट कैन इंक्रीज दी एफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ सप्लाई चैनस बात करें ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी की तो ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है ऐसे ट्रैक करती है और लॉजिस्टिक प्रोसेस में इन्वॉल्व सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट करती है ब्लॉक टेक्नोलॉजी के इमरजेंस ने लॉजिस्टिक्स कंपनीज को डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सेफ़ रखने में इनेबल किया है इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से सप्लायर्स कस्टमर्स ऑडिटर्स वेयर हाउस मैनेजर्स और अदर्स जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने एसेट ट्रैक करने और लॉजिस्टिक्स प्रोसेस में इन्वॉल्व सभी डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट करने के लिए ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ट्रेंड में अट्रैक्शन प्राप्त करने वाले सबसे प्रमुख ट्रेंड्स में से एक है क्योंकि यह सप्लाई चेन की एफिशियसी और ट्रांसपेरेंसी में इंक्रीज कर सकता है डिजिटलाइजेशन ऑफ द Logistics industry. With digitalization shaping almost the industries across the globe, logistics industry is no exception. Rising digital literacy and consumer awareness about the usage of different online platforms for making customized purchasing decisions, the digitalization of the logistics industry has emerged as the key trend gaining utmost attraction. The use of digitization in the logistics industry is फर्दर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चैन कोस्ट वाइल गिविंग अ कंसिडरेबल बूस्ट टू दी ओवरऑल रेवेन्यूज़ जैसा कि सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज में डिजिटलाइजेशन का यूज़ हो रहा है अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बढ़ती डिजिटल लिटरेसी और कंज्यूमर अवेयरनेस कस्टमाइज परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के डिजिटलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में उभरा है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में डिजिटाइजेशन के यूज़ से रिवेन्यू में काफ़ी इंक्रीज करते टाइम सप्लाई चैन कॉस्ट में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है नेक्स्ट इमरजेंस ऑफ थ्री पी एल एंड फाइव पी एल दी प्रोलीफरेशन ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स एंड फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स इज एक्सपेक्टेड टू एसेलरेट द ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मार्केट ड्यूरिंग द प्रेडिक्टेड पीरियड

ये वो लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है जो शिपिंग कंपनीज़ के साथ वर्क करती है लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज मैनेज करने के लिए अदर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जबकि फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स वो लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है जो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के बिहाफ पर काम करती है एक्सपेक्टेड पीरियड के ड्यूरिंग थर्ड और फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स से ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मार्केट में तेजी लाने की उम्मीद है ड्यूरिंग टू थ्री पी एल ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मार्केट शेयर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने में एबल था ग्लोबल सप्लाई चैन मार्केट में बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फाइव पी एल के अडॉप्शन के लिए इन्श्योर करना है जिसमें फाइव पी एल के सोल्यूशन के प्रोवाइडर्स ई बिज़नेस को मिनिमम कोस्ट टारगेट अचीव करने के लिए लिंक करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन्स एंड स्मार्ट ग्लासेज The rising integration of drones and smart glasses in the logistics industry has improved the flexibility and speed of delivery, in turn impacting the growth of last mile logistics market during the predicted period. Self-driving vehicle, autonomous vehicles and trucks have been able to maintain high reliability and same day delivery in both urban and rural areas. लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में ड्रोन और स्मार्ट ग्लास के बढ़ते इंटीग्रेशन या कंसोलिडेशन से डिलीवरी की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार हुआ है जिसके कारण प्रेडिक्टेड पीरियड के ड्यूरिंग लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स मार्केट की ग्रोथ को प्रभावित किया गया है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल ऑटोनोमस व्हीकल्स और ट्रक्स रिलायबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं और अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ में सेम डे डिलीवरी मेंटेन करके रखते हैं नेक्स्ट अडोप्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स And big data logistics. The use of big data and data analytics in the logistics industry is allowing several stakeholders involved in the business to make informed purchase decisions. Companies are now using big data to anticipate busy periods, potential future supply shortage, and other insights for making strategic decisions to improve their market positions and offer a significant competitive advantage. Over other counterparts. Furthermore, as per the Council of Supply Chain Management Professionals, over 90% of shippers and third party logistic firms predict that data driven decision making is extremely crucial to supply chain activities as the big data improves quality and performance by offering effective supply and demand forecast inventory management. लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स के यूज़ से बिजनेस में इन्वॉल्व कई स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म परचेज डिसीजन लेने के लिए अलाउ करती है कंपनीज़ अब बिज़ी पीरियड्स पोटेंशियल फ्यूचर सप्लाई शॉर्टेज और मार्केट की पोजीशंस इंप्रूव करने के लिए और स्ट्रेटजिक डिसीजंस लेने के लिए बिग डेटा का यूज़ कर रही है इसके अलावा काउंसिल ऑफ सप्लाई चैन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग 90 परसेंट से ज़्यादा शिपर्स और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स फर्म्स की प्रडिक्शन है कि डेटा ड्राइवर डिसीजन मेकिंग यानी वो डिसीज़न जो डेटा से लिया गया हो वो सप्लाई चैन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि बिग डेटा इफेक्टिव सप्लाई और डिमांड फोकास्ट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं लॉजिस्टिक्स सेफ्टी बिकम्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी विद ग्रेटर कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट देयर हैव बीन Rising concerns among the companies pertaining the cyber security and logistic safety. Furthermore, the protection of consumers' private data is another key concern, making the safety of logistic solution as one of the topmost priorities. Continuous hacks into the website of e-commerce companies, including Amazon, Walmart, and other, have revealed potential cyber security threat. This has further encouraged. लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स टू फोकस मोर ऑन ऑफरिंग सिक्योर लॉजिस्टिक्स सोल्यूशनस इंटरनेट की ज़्यादा कनेक्टिविटी के कारण साइबर सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न राइज हो रहे हैं कंपनीज में इसके अलावा कंज्यूमर्स के प्राइवेट डेटा का प्रोटेक्शन एक अनादर की ऑफ कंसर्न है लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ की टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में से एक है कि वो कंज्यूमर्स के प्राइवेट डेटा को प्रोटेक्ट करें उसे लीक होने से बचाएँ कुछ ई कॉमर्स कंपनीज की वेबसाइट के कॉन्टीन्यूस हैक होने से जिसमें अमेजोन और वॉलमार्ट शामिल है इनसे साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट सामने आए हैं इसने भी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स को सिक्योर लॉजिस्टिक्स सिस्टम ऑफर करने पर एंकरेज किया है नेक्स्ट इलास्टिक लॉजिस्टिक्स इलास्टिक लॉजिस्टिक्स इज़ द लेटेस्ट कंसेप्चुअल बर्सवर्ड इन दी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चैन इंडस्ट्री इट बेसिकली रेफर्स टू The flexibility of expanding and shrinking capabilities for aligning with the demands within the supply chain during a time frame. The use of elastic logistics is one of the latest logistics trends that can help companies across the globe by enhancing customer experience, providing agility and scalability, adding real time visibility, and connecting all business processes. इलास्टिक लॉजिस्टिक्स सप्लाई चैन इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स में एक कंसेप्शुअल बर्जवर्ड है बेसिकली ये रेफर करता है एक टाइम फ्रेम में सप्लाई चैन के अंदर डिमांड के साथ एक्सपेंडिंग और श्रिंकिंग कैपेबिलिटीज़ की फ्लैक्सबिलिटी को इलास्टिक लॉजिस्टिक्स का यूज़ लेटेस्ट लॉजिस्टिक्स ट्रेंड में से एक है जो कंपनीज़ को हेल्प करते हैं ग्लोबल लेवल पर कस्टमर एक्सपीरियंस एनहेंस करके एजिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करके रियल टाइम विजिबिलिटी और बिजनेस की सारी प्रोसेस को कनेक्ट करके Next, implementation of chatbots and collaborative robots. Yani cobots. According to the Logistics Bureau, the use of voice controlled chatbots for interacting with users to perform specific actions at several purchase points in a supply chain, including shopping, ordering, picking, and others, are expected to trend continuously in the global logistics market. Furthermore, robotics is also set to revolutionize the Logistics industry with e commerce giants, including Amazon, engaging in the increased development of logistics robots for several functions in warehouses, including packaging, storing, and picking. In addition, various players in the market are leveraging the inception of collaborative robots or cobots, which will be used for effective order. फुलफिलमेंट वेयरहाउसिंग एंड डिलीवरी ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग सप्लाई चैन में शॉपिंग ऑर्डरिंग पिकिंग में स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वॉइस कंट्रोल चैटबोर्ड्स के यूज से ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मार्केट में कॉन्टिन्यूसली ट्रेंड में आने की एक्सपेक्टेशन है इसके अलावा रोबोटिक्स लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए भी तैयार हैं जिसमें अमेजोन के साथ ई कॉमर्स जैंट्स ने पैकेजिंग स्टोरिंग एंड पिकिंग सहित वेयरहाउसिंग के सैवरल फंक्शंस के लिए लॉजिस्टिक्स रोबोट्स के डेवलपमेंट में पार्ट लिया है इसके साथ मार्केट में कई प्लेयर्स कोलाबोरेटिव रोबोट्स का फायदा उठा रहे हैं जिसका इस्तेमाल इफेक्टिव ऑर्डर फुलफिलमेंट वेयरहाउसिंग और डिलीवरी ऑप्शंस के लिए किया जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू